हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में। चलिए आइए आज ले लेते हैं हम जो आज का हमारा वीडियो है वो है BHDS 183 का। जी हाँ, हिंदी का। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि, हिंदी अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि, और जिसमें हम अनुवाद का परिचय और साहित्य अनुवाद ब्लॉक वन लेंगे और ब्लॉक वन में यूनिट टू लेंगे। यूनिट टू है अनुवाद के क्षेत्र। एक्चुअली इसमें अनुवाद के क्षेत्र एवं प्रकार हैं। प्रकार का वीडियो ऑलरेडी हमने आपको डाल दिया है, अवेलेबल करवा दिया है। बहुत लेंदी वीडियो होता इसलिए मैंने क्षेत्र को छोड़ दिया है, ठीक है। तो आज चलिए आइए यहाँ पर अनुवाद के क्षेत्र ले लेते हैं, और सॉरी इसका नाम हम देते हैं पार्ट टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अनुवाद के प्रकार वगैरह तो हमने सब कुछ देख लिया है, राइट। ये सब हमारे हो चुके हैं अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के। आज यहाँ पर इसकी उपयोगिता भी हमने देख लिया है। आज यहाँ पे अनुवाद के विविध क्षेत्र हम देख लेते हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग की डिमांड होती है रेड कलर की। तो अनुवाद के विविध क्षेत्र देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे जो क्वेश्चन है आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो चलिए प्रकार और क्षेत्र, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे नीचे कर लेते हैं, अनुवाद के विविध क्षेत्र। ओके राइट, PDF ये आ गया, अनुवाद के विविध क्षेत्र आपका आ गया। अब वो विविध क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रशासनिक साहित्य और अनुवाद। देखिए अनुवाद का मतलब क्या है हमें पता है, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन, ठीक है। और जो करता है ट्रांसलेटर कहलाता है। तो हर एक अनुवाद जो होता है लैंग्वेज से लैंग्वेज में होता है, भाषा से भाषा में होता है। तो किसी भी चीज़ के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा को भाषा में परिवर्तित करने को ही क्या कहा जाता है, अनुवाद कहा जाता है, ठीक है। तो अनुवाद वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका महत्वपूर्ण रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम जनरली देखते हैं यहाँ पर जैसे प्रशासनिक साहित्य और अनुवाद से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रशासन से यहाँ पे तात्पर्य क्या है, प्रशासनिक साहित्य तो हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रशासन से तात्पर्य है सरकारी कामकाज से। अब देखिए इसका दायरा बहुत बड़ा है। अब हमारे जनरली काम जो होते हैं, अंग्रेज आए अंग्रेजी देख के गए, तो हमारा जो पूरा काम होता है वो किससे संबंधित होता है, किस लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में होता है। लेकिन हमारी मातृभाषा, हमारी नेशनल जो लैंग्वेज है वो हम क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो सभी को इंग्लिश नहीं आती है। तो अब सरकार ने जिस भी क्षेत्र का वो प्रशासनिक काम हो, जिस भी क्षेत्र का वो सरकारी काम हो, जैसे केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्र, जैसे अधीनस्थ विभाग, मंत्रालय, सरकारी बैंक, अर्ध सरकारी बैंक, संबंध कार्यालय, स्वशासी निकाय, आयोग, समितियां, सहकारी बैंक, जितनी भी सरकारी का वो है कार्यालय हैं, उन सभी में आने वाले जो विभाग होते हैं, उन सभी का जो लेटर, गजटेड लेटर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकाले जाते हैं वो क्या निकाले जाते हैं, इंग्लिश में। तो उनको फिर ट्रांसलेट किया जाता है, यानी उनको क्या किया जाता है, उनको हिंदी में या फिर उनको कन्नड़ में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, जिस भी क्षेत्र के लोग होते हैं जो बोली भाषा जानते हैं उसमें, उसके द्वारा उस लैंग्वेज में निकाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार। तो यहाँ पर जब मान लीजिए अंग्रेजी में निकाला गया, अब अंग्रेजी जिसको नहीं आती जिस क्षेत्र के लोगों को, तो वहाँ पे हिंदी में, हिंदी नहीं आती तमिल में। तो इस तरह से जो अनुवाद होता है वो प्रशासनिक कार्यालयों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अब प्रशासनिक साहित्य की भाषा क्या हो गई, तो प्रशासनिक साहित्य की भाषा का अपना एक सौंदर्य शास्त्र है। अब यहाँ पे कोई अलग से भाषा तो है नहीं, लेकिन वही भाषा है जनरली एक दूसरे के द्वारा बोली जाती है, ज़्यादा यूज की जाती है, जो सरल होती है, लोगों की पहुँच तक होती है, ठीक है ना, वही प्रशासनिक साहित्य की भाषा हो जाती है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी साहित्य की भाषा से एकदम अलग प्रशासनिक भाषा होती है। साहित्य की भाषा जो होती है वो तो आप कुछ भी लिख दीजिए, समझ में आए ना आए वो अलग बात होती है, जो प्रशासनिक भाषा होती है वो A to Z बिल्कुल सही होती है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए साहित्यिक प्रशासनिक भाषा। अब प्रशासनिक भाषा का एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण तत्व क्या हो सकता है, निर्वैयक्तिकता होता है, यानी
यहाँ प्रयोग होने वाली भाषा का व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि प्रशासनिक भाषा के अंतर्गत भी आप इसे लिख सकते हैं, तो प्रशासनिक साहित्यिक भाषा के अंतर्गत लिख सकते हैं, या प्रशासनिक भाषा क्यों महत्वपूर्ण है उसके अंतर्गत लिख सकते हैं, क्योंकि निर्वैयक्तिकता होती है, यानी वैयक्तिकता यानी व्यक्ति विशेष से दूर होती है, तो इस भाषा का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं होता है, और जो भी यहाँ पे आदेश निर्देश दिए जाते हैं सरकार की तरफ से वो व्यक्ति द्वारा ना दिए जाकर पद द्वारा दिए जाते हैं। कोई भी आप देखिए आदेश निकलता है तो वो हमारे जिले में निकलता है तो कलेक्टर निकालते हैं, DM निकालते हैं, ठीक है, या फिर CM निकालते हैं, तो एक पद व्यक्ति विशेष द्वारा, व्यक्ति विशेष द्वारा एक पद के द्वारा यहाँ पर वो निकाला गया है, जो CM है उनके नाम के आधार पर नहीं, वो CM है, मुख्यमंत्री है, वो DM कलेक्टर है, उसके आधार पर वो जो पत्र होता है वो निकाला जाता है, ठीक है ना, आदेश निर्देश, इसीलिए इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन, सूचनार्थ प्रस्तुत होता है, दिस में प्लीज बी अप्रूव्ड, यानी कि कृपया इसका अनुमोदन करें, मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, यानी विषय विचाराधीन है, तो इस तरह से शब्द वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो जो प्रशासनिक साहित्य की भाषा होती है वो औपचारिकता से परिपूर्ण होती है, इसमें एक शब्द का एक ही मतलब निकलता है, आप एक शब्द के 10 मतलब, साहित्य की भाषा में आप एक शब्द के 10 मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक साहित्य की भाषा में एक शब्द का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, यानी अनेकार्थकता की कोई संभावना यहां पर नहीं होती है, भाषा बहुत ही सरल और सुगम, बोधगम्य यानी सुगम होती है, जो समझ में आ जाती है, और इसका प्रयोग जो होता है, जो जनरली हम अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं, जो अपने बोले जाने वाले शब्दों में प्रयोग करते हैं, उसी तक वो सीमित होती है, ठीक है, और यह भाषा आम भाषा से अलग अर्थ रखती है। हम लोग देखते हैं जब गजट नोटिफिकेशन निकलता है कोई, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी समझ से अलग होती है, क्योंकि अनुच्छेद वगैरह के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुवादक को अनुवाद करते समय कुछ खास बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो ये हो गया आपका प्रशासनिक भाषा, प्रशासनिक साहित्य, ठीक है ना, और इसीलिए यहाँ पे भारत सरकार द्वारा अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि 1971 से अनुवाद प्रशिक्षण कार्य भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर राजभाषा विभाग के अंतर्गत चलाया गया है, कि जो भी गजटेड नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं तो जो A to Z, जो एक वर्ड यानी शब्द टू शब्द यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, एक शब्द का मतलब जो इंग्लिश में है वही हिंदी, वही कन्नड़, वही मलयालम में होगा, दूसरा मतलब नहीं निकलना चाहिए, तो शब्द टू शब्द यानी वर्ड वर्ड टू वर्ड पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रशासनिक भाषा हो गई। अब यहाँ पे प्रशासनिक साहित्य, अब यहाँ पे देख लेते हैं बैंकिंग और अनुवाद। बैंकिंग में भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसी से चल रही है, पूंजी लेन देन का काम जो होता है वो बैंकों से होता है, हमारा भी लंबा इतिहास है बैंक के मामले में, हमारा तो बिना बैंक के बिना काम ही नहीं चल सकता है, ठीक है ना, और भारत को जो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था है वो किसकी देन है, अंग्रेजों की देन है, ठीक है ना। तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर पश्चिम प्रभाव देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो लेखन फॉर्म प्रचार सामग्री दस्तावेज जो तैयार किए जाते हैं बैंकों में वो मूलतः अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं, यानी कि जनरली हम देखते हैं कि ऑफिस वगैरह के जो वर्क होते हैं वो अंग्रेजी में ही किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक राजभाषा के प्रयोग में दायरे में अंतर्गत आ जाते हैं, और यहाँ पर जब कोई भी भाषा, कोई भी काम किसी भी जगह, किसी भी सरकारी जगह या अर्ध सरकारी जगह में इंग्लिश में किए जाते हैं तो वहाँ पे अनुवाद का एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, क्योंकि को ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में उस क्षेत्र की भाषा के अकॉर्डिंग, इस चीज को माइंड में रखिएगा, हिंदी के अलावा उस क्षेत्र की भाषा यानी जहां बैंक है और जहां के लोग हैं वहां की लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखिए बैंक क्या है, हम लोग अपने पैसे वगैरह जनरली वहाँ पे जमा करते हैं, निकालते हैं, यही सभी चीज़ें हम करते हैं, और भारतीय पत्र व्यवहार जो होता है वो भारतीय बैंक व्यवस्था के लिए भी अनिवार्य हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग मूलतः दो स्तरों पर होता है, एक तो राजभाषा के स्तर पर और जनभाषा के स्तर पर। अब द्विभाषिकता यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी जो है वो मूल तौर पर आम तौर पर बैंक में यूज नहीं होता है, वो तब तक नहीं होता है जब तक कि अंग्रेजी ना हो, तो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग अनिवार्य रहे कहां पे, बैंकों में, ठीक है। राजभाषा जो हमारी हिंदी है, तो हिंदी राजभाषा, राजभाषा का मतलब हिंदी से यहां पे है, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे देखिए, जब हमने पहले शुरू में कहा कि अंग्रेजी यहाँ पे यूज की जाती है, सभी काम जो है यहाँ पर अंग्रेजी में होते हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजी में जो शब्द, जो पदबंध, जो वाक्य यानी सेंटेंस, वर्ड, जो सभी चीजें होती हैं, उनको बिल्कुल A to Z हिंदी में या उस क्षेत्र विशेष की भाषा में उपयुक्त किया जाता है, यानी लोगों तक पहुंचे तो A to Z वही पहुंचे जिसका मतलब जो निकाला गया है उस नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो जो अनुवादक होता है उसके लिए आप एक चुनौती खड़ी हो जाती है, ठीक है ना, एक समस्या उसके सामने आ जाती है, एक बड़ी चुनौती आ जाती है, क्योंकि A to Z वही निकालना होता है। कभी कभी वही होता है कि हम जनरली इंग्लिश में कुछ और उस शब्द का मतलब निकलता है और हिंदी में कुछ और निकल जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में मात्र अनुवाद की भाषा बनकर ही रह जाती है अंग्रेजी, ठीक है। ओके, अब इस स्थिति में क्या किया जाए, अनुवादक से क्या क्या अपेक्षाएं की जाए, तो कथ्य का ज्ञान होना चाहिए। कथ्य यानी जो कहा गया हो, यानी जो मूल पाठ, जो अंग्रेजी में जो जिस वर्ड जो शब्द उसमें अंग्रेजी में लिखा गया जो वर्ड, उसका हिंदी में भी A to Z वही मतलब निकले, वो कथ्य होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कथ्य का ज्ञान होना अनुवादक के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अपेक्षा की जाती है अनुवादक से कि जो अगर मुहावरे दिए हैं वो उसकी समझ में आ रहे हैं और शब्दों का चयन वो सावधानी से कर रहा हो, ताकि जब उसको अनुवाद किया जाए तो जो उसे पढ़े तो उसको वो समझ सके उसका मतलब, ठीक है। तो कथ्य की समझ अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर उससे भी गलतियां हो जाती हैं, किससे, अनुवादक से। कैसे, जैसे यहाँ पर हार्ड कैश के लिए ठोस नकदी, हार्ड कैश यानी ठोस नकदी हो गया, लेकिन स्पीड मनी के लिए गति मुद्रा, डेड मनी के लिए मृत मुद्रा आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे गलतियां कर सकता है। स्रोत और लक्ष्य भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी होता है अनुवादक के लिए, ठीक है ना। मतलब कि जैसे हम जिस क्षेत्र विशेष, जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि क्षेत्र विशेष की बात यहाँ पे अनुवाद के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वही क्षेत्र विशेष आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, स्रोत और भाषा के लिए। कि अगर इंग्लिश में या हिंदी में निकाला गया गजट नोटिफिकेशन, तो जब उसको क्षेत्र विशेष में किसी विशेष भाषा में, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, असमी, गुजराती में किया जाता है, तो शब्द टू शब्द का चयन, शब्दों का सही चयन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे लोन, एडवांस, क्रेडिट, डेबिट के अर्थ के लिए, अब इनको हिंदी में देखोगे तो बहुत अलग शब्द निकलते हैं, तो इन शब्दों का चयन अच्छी तरह से करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके लिए, अनुवादक के लिए, ट्रांसलेटर के लिए, ठीक है ना। सटीक तथा सहज भाषा में भी अनुवाद होना चाहिए ताकि लोग उसको समझ सके और उनके लिए कोई समस्या ना खड़ी हो, ठीक है। ओके, चलिए अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में यूज करते हैं, ठीक है ना, बैंकिंग में आ गए हैं और स्वीकार भी कर लिया गया। चेक, अब चेक का हिंदी हम लोग को शायद इतना पता भी ना हो। ड्राफ्ट, बजट, कमीशन, नोट, लॉकर, बिल, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो बैंकिंग शब्दावली में अंग्रेजी शब्दों के शब्द अनुवाद भी मिलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देख ले, विविध साहित्य और अनुवाद वही हो गया, साहित्य छोड़ दीजिए। अगर आप इसमें आप तीन चार भी ले लेते हैं ना, तो तीन चार को भी आप यदि अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। मीडिया और अनुवाद, अब देखिए मीडिया का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अब एक माध्यम जो है सोशल मीडिया भी हो गया है। लोग जनरली अब सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं। हम लोग भी आजकल देखते हैं जितने पॉलिटिक्स वाले होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल के हों, चाहे वो आपके सेलिब्रिटीज हों, मॉडल, एक्ट्रेस हों, वो सब भी आजकल सोशल मीडिया से जो है जुड़ चुके हैं और हम उनको फॉलो भी करते हैं। अब सोशल मीडिया के अंतर्गत क्या आता है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बहुत सारे पोर्टल हैं, जीमेल हो गया, यूट्यूब वगैरह, सभी जो है सोशल मीडिया के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर हम छोटी छोटी घटनाएं, छोटी बड़ी घटनाएं एक सेकंड के अंदर जान जाते हैं। मान लीजिए यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, रूस में, जापान में, कहीं भी कोई घटना हो, ये तुरंत 1-2 मिनट के अंदर हमें चीज़ें पता चल जाती हैं। तो किसका इफेक्ट है, सोशल मीडिया का इफेक्ट है। लोग अपना प्रचार करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, फिल्म निकलती है, रिलीज होती है, तो उसका वो प्रचार करते हैं। इलेक्शन आते हैं तो ये पॉलिटिक्स वाले जो होते हैं, राजनेता होते हैं, वो उसका प्रचार करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है
सबसे बड़ी जो एक चुनौती है, सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो अनुवादक के लिए हो जाती है कि उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। वो तो हिंदी या इंग्लिश में कर देता है या फिर वो क्षेत्र विशेष का है। देखिए कन्नड़ मलयालम की मूवी आती है साउथ इंडिया की, तो वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन हम तक पहुँचाने के लिए पूरी मूवी को क्या करना पड़ता है, हिंदी में डब करना पड़ता है, तब हम लोग समझ पाते हैं हिंदी वाले इंग्लिश वाले। तो ये होता है अनुवाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीडिया का भी रोल जो है वो अहम हो जाता है, अनुवादक का रोल जो है मीडिया के लिए अहम हो जाता है। अब यहाँ पे इंटरटेनमेंट की बात की जाए, यहाँ पर अगर आप एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो लोगों को अपने एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए हिंदी इंग्लिश मलयालम कन्नड़ यानी जितने क्षेत्र हैं जितनी लैंग्वेज है सभी लैंग्वेज में उसको डब करना पड़ता है और तब जाके सभी जगह इसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये मीडिया और अनुवाद हो गया, मीडिया के क्षेत्र में अनुवाद, ठीक है ओके। विभिन्न पत्रों की अपनी भाषा होनी चाहिए, संप्रीतता पर बल दिया जाता है, विभिन्न विधाओं के अनुसार भाषा होनी चाहिए। सोशल मीडिया की भी जो भाषा होती है क्या होती है, वही होती है जो मैंने अभी आपको बताया कि सभी जगह सभी क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसको जो है लाया जाता है, ठीक है। विज्ञापन की भाषा, क्योंकि विज्ञापन जो है मीडिया के अंतर्गत आता है। अब प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी जगह विज्ञापनों की मांग रहती है। विज्ञापन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सूचना प्रधान विज्ञापन और व्यावसायिक विज्ञापन होता है। सूचना प्रधान के अंतर्गत सरकारी विज्ञापन, घोषणाएँ, रोजगार, जागरूकता, स्वास्थ्य संबंधी आ जाते हैं। यानी हम लोग देखते हैं कि आजकल जो है कैंसर के बारे में, ठीक है ना, टीबी के बारे में, बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो सूचना प्रधान संबंधी विज्ञापन हो जाते हैं, ठीक है। अब व्यवसायिक विज्ञापन ऐसे विज्ञापन को कहते हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जाता है, साबुन हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, ठीक है ना, क्लॉथ हो गया, बहुत सारे ब्यूटी मेकअप टिप्स हो गए, जितने भी एडवर्टीजमेंट सब आते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ये सभी व्यवसायिक विज्ञापन हो जाते हैं, यानी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो विज्ञापनों की भी अपनी विशेष भाषा होती है, और जहाँ पर विज्ञापन और सूचना प्रधान विज्ञापन की भाषा होती है, ठीक है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं, इस कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी बहुत आसान है, ठीक है। सृजनात्मक साहित्य जो है, कल भी हम आपको इसके लिए बता दिए थे कि यहाँ पर सृजनात्मक साहित्य यानी सृजन करना, और यहाँ पर जो है जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसमें वो व्यक्ति इतना डूब जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि वो उसे या तो बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के लिख देता है, ठीक है, वो सृजनात्मक यानी सृजन साहित्य कहलाती है, काव्य अनुवाद। तो यही प्रकार में जो हमने भी तीन चार ऊपर प्रकार देखे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं, ठीक है। इनमें ए टू जेड लोकोक्ति और मुहावरों में आप इंग्लिश में देखो तो कुछ और रहता है, हिंदी में देखो तो कुछ और रहता है। अगर हम इंग्लिश में देखें लोकोक्ति मुहावरों का मतलब निकालें तो हिंदी में तो पता नहीं उसका क्या मतलब निकल जाए, ठीक है ना। तो इसकी भाषा क्या होती है, सटीक सपाट ना होकर लक्षण के आधार पर होती है, ठीक है, यानी कि जो जैसे बहती गंगा में हाथ धोना, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि गंगा बह रही तो हम जाके उसमें हाथ धो लिए, इसका मतलब क्या होता है कि अपना उल्लू, मतलब कि चलो कुछ काम चल रहा है तो अपना उल्लू सीधा करना, बहती गंगा में हाथ धोना, अपना काम सीधा करना, ठीक है ना। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं मुहावरे लोकोक्तियों में यूज किए जाते हैं, और उसका अनुवादक जो होता है बहुत ही सटीक होता है, थोड़ा ये टफ काम हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सतर्कता जो है बरती जाती है अनुवाद करने में लोकोक्ति और मुहावरे के लिए। ये कभी कभी आपको टिप्पणी में भी पूछ सकता है, ठीक है, टिप्पणी से खुली छूट ना देना, टू गिव ब्लैंक चेक। अब टू गिव ब्लैंक चेक का मतलब देखा है तो यहाँ पे एक वो हमें दे रहा है ब्लैंक चेक, टू गिव ब्लैंक चेक, लेकिन खुली छूट देना मतलब होता है, ठीक है। तो इस तरह के देखिए, किलिंग टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, अब किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन यानी एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना, लेकिन एक पंथ दो काज, ये है इंग्लिश का मुहावरा और ये है हिंदी का। अब बताइए, आ ड्रॉप इन आ ओशन, ठीक है, और ऊंट के मुंह में जीरा, हिंदी और इंग्लिश में देखिए यही होता है अनुवादक का काम। तो इसलिए थोड़ा सा जो होता है टफ होता है, ठीक है ना, समस्या भी इनके सामने आती है क्योंकि उनको सही वर्ड नहीं मिल पाते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखे इनके क्षेत्र किसके, अनुवादक के, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो सकता है। जब भी आप, यदि आपके पास बुक है और यदि पीडीएफ है, बुक नहीं है, तो प्लीज़ आप इसका सारांश ज़रूर पढ़ा करें, सारांश वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, ये हमारा जो है यूनिट 2 है,
और यूनिट टू में अनुवाद के प्रकार एवं क्षेत्र में आज हमने क्षेत्र देखा है, अनुवाद हम कल देख चुके थे। तो इसका वीडियो जो है ऑलरेडी डला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके से वॉच कर लीजिएगा। यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट थ्री। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी आपके पास ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे फेसबुक में हो, सभी के इन वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और बताइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं लाइव आऊंगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपका क्वेश्चन होता है कि ग्रुप में जुड़ने से क्या हमें वीडियो मिल जाएंगे, देखिए ग्रुप में जुड़ने से बिल्कुल वीडियो मिलेंगे, मैं प्लेलिस्ट का भी वहाँ पर लिंक देती हूँ, जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो मैं ऑलवेज वहाँ पर लिंक शेयर करती हूँ, तो बिल्कुल आपको वीडियो वहाँ पर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय।